आज गणेश चतुर्थी का महापर्व देश भर में पंडालों और घरों में गणपति बप्पा की स्थापना की जा रही है। गणेश चतुर्थी पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणपति का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि चित्रा नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ था। पूरे देश के साथ राजधानी देहरादून में भी गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। बाजार भी बप्पा की खूबसूरत मूर्तियों से सज गए हैं। दूनवासियों में बप्पा को अपने घर में ले जाने का उत्साह है। हर कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बप्पा को घर ले जाना चाहता है। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। सुबह शाम तीनों टाइम भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और हम पूरे 11 दिन के लिए बैठाते हैं और जो हम मानते हैं बाबा से हमें वो पूरा मिलता है और क्या मांगे भगवान बिना मांगे भी हमें देते हैं। तो श्रद्धा तो भरपूर है, बाकी इनकी श्रद्धा के अनुसार ही हम करते जा रहे हैं पूजा पाठ और आगे ऐसी श्रद्धा बनी रहे ये इनसे हम कामना कर रहे हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप? हम 8-10 साल से कर रहे हैं गणपति जी की पूजा का, विसर्जन का, और चाहते हैं ऐसे ही हम करते रहें पूजा लगातार। इनकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार और हमारे पूरे दूनवासियों पे बनी रहे। गणपति देव की हम नैनुकनोनी चाय रखे हैं, अरुणा नाम है मेरा। हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे और हमारे बड़े पैसा हस्बैंड सब आए हैं। मम्मी हमारे घर पे इनका इंतजार कर रही हैं पूजा की थाली लेकर के। 4 साल से आ रहे हैं हम लोग लेने इनको बोले पति पे और सुबह शाम उनका रोज भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं और थोड़ा बहुत घर ही घर में कीर्तन कर लेते हैं। क्या मांगते हैं बाबा से? गणपति जी से सबके लिए कामना मांगते हैं, सब राजी खुशी रहे जी। बहुत उत्साह रहता है गणपति जी का। अजय दिन विसर्जन ले जाते तो हमारे और भी फैमिली आती है, सब परिवार आया साल में जी, फैमिली पूरी आई।